तो गाइस देखो, हम लोगों ने कर दिया है रैपिडो में, और जो मैक्सिम है और ये उबर है, ये ओला है, ये इन ड्राइवर है, तो ये सारे जो है हमने कर दिए हैं लॉगिन गाइस सभी में। और टाइम जो हो रही है गाइस, आप लोग देख सकते हो अभी 8:48 हो रहा है, यानी कि 9 बजने वाले हैं। और अभी जो है हम लोग चलाने वाले हैं इन सबको, देखते हैं सबसे पहले किस में राइड आती है, तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो गाइस देखो, अभी जो है हम लोग चलते हैं नांद्रा बस स्टैंड, और नांद्रा बस स्टैंड से मतलब 500 मीटर दूरी जो है रेलवे स्टेशन है, तो दोनों में किसी ना किसी पे तो राइड आ ही जाएगी। तो हम देखते हैं गाइस किस में सबसे पहले राइड आती है, नांद्रा बस स्टैंड पे चलते हैं। गाइस जैसा कि मैं आपको अगर गाड़ी का मीटर बताऊं, तो गाड़ी का मीटर आप लोग देख सकते हो 703 है, और अब हम देखने वाले हैं गाड़ी एंड तक कितने किलोमीटर चलती है, और प्लस में जो है हमारा तेल कितने का लग जाता है, यानी कि पेट्रोल कितने का लग जाता है, वो भी जो है आपको एंड में बताऊँगा वीडियो के। और प्लस जो है मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा आज गाइस, देखो अगर जो है मतलब देखो अगर आप रेपिडो करना चाहते हो पार्ट टाइम में, तो क्या आप मतलब आप कुछ और भी जॉब करते हो, जैसे कि कहीं मतलब ड्यूटी करते हो 12 घंटे की या 6 घंटे की, उसके बाद जो है आपके पास टाइम बचता है, क्या आप उस टाइम में रेपिडो करके कुछ अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो? तो वही जो है गाइस, आज संडे है और संडे को वैसे ज़्यादातर लोगों की छुट्टी रहती है, तो क्या वो लोग 4-5 घंटे काम करके या फुल डे काम करके कुछ अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं या नहीं, तो वही हम देखने वाले हैं गाइस। 9 बज रहे हैं और 9 से देखते हैं कब तक जो है राइड आने वाली है हमारे पास। सब हमारे पास ऑन है, बस राइड का इंतज़ार है। तो गाइस सामने दिख रही है, यही नांद्रा बस स्टैंड है, और बस आए गए हम लोग कुछ ही मिनट की दूरी पर हैं। और गाइस यार एक चीज़ और हमारे भोपाल में मतलब एमपी में होने वाली है, तो गाइस वो जो है अभी मतलब पुलिस की चेकिंग चलती थी, तो उसमें जो है सिर्फ एक हेलमेट से मतलब अलाव था, और गाइस अभी जो है दो दो हेलमेट अलाव होने वाले हैं। तो सभी जो ओला रैपिडो वाले हैं उनको बता दूंगा गाइस, अगर एमपी है भोपाल में काम कर रहे हैं रैपिडो ओला में, तो भाई इस मंडे से आप लोगों को दो हेलमेट लेके चलना पड़ेगा गाइस, आपने अगर न्यूज़ देखी हो तो। बाकी आपको चालान ना कटे इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो गाइस इधर पे हम लोग वेट कर लेते हैं। तो यार गाइस देखो, हमको ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा, और करेक्ट 9:02 पे एक राइड आ गई है जो कि इन ड्राइवर पर है गाइस। तो इनको जो है भोपाल जंक्शन से लेना है, और बाकी छोड़ना है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, हबीबगंज छोड़ना है, तो वहाँ से जो है हमको 100 रुपये मिलेंगे। ये भाई से 2 किलोमीटर इनकी पिकअप लोकेशन है, बाकी ड्रॉप हम बता देंगे आगे। तो फटाफट चलते हैं भैया के पास गाइस, टाइम भी नहीं मिला और 100 रुपये वाली राइड आ गई। देखो भाई, इसके हमें 100 रुपये मिलेंगे, इसमें दिखा देता है इन ड्राइवर में पहले ही दिखा देता है कि इस राइड के आपको कितने पैसे मिलेंगे। तो गाइस बहुत बढ़िया काम हुआ आज, चलो चलते हैं। यार कभी कभार तो ये रेपिडो ओला और ये सब है ना रुला देते हैं, और कभी कभार ये गाइस एकदम बिल्कुल परफेक्ट राइड देते हैं भाई, मतलब सामने वाले का दिल खुश हो जाए। एंड गाइस वो आप मतलब इनके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता रेपिडो के ओला के ऊपर, वो सिर्फ कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, कस्टमर कहाँ तक बुक करता है या कहाँ तक कस्टमर को जाना है, तो उसमें हम भी क्या कर सकते हैं भाई। तो गाइस ये रही भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन, तो सबसे पहले जो है भैया को फ़ोन कर लेते हैं। हेलो, किस साइड हो भैया, ये 80 फिट रोड साइड हो या उधर छोरा साइड हो? अरे इस साइड आ जाइए, उधर उधर तो एंट्री है जिधर फ्लैग लगा हुआ है झंडा। अच्छा उस साइड, ठंडी साइड हो? अच्छा इधर शौचालय वगैरह बना हुआ है, इधर ही आना है। अच्छा, अच्छा वो गेट पे ही खड़े हो मतलब, है ना? हाँ, गेट पे। चलो ठीक है, हो आया 2 मिनट में आया। तो भैया जो है आगे वाले गेट पे खड़े हैं गाइस, भोपाल जंक्शन में 2 गेट हैं, तो हम आगे वाले गेट पे चल देते हैं फटाफट। जो ही हो सकता है सर, चाहे सामने आ जाओ। चलो भाई ठीक, कस्टमर भी आ गया, तो हम उससे पहले भाई जब तक इनकी जो लोकेशन पहुंचते हैं रैपिडो ऑफ कर देते हैं, नहीं तो रैपिडो में भी आ जाए और इसमें भी आ जाए। ठीक है भैया बैठ जाइए। नहीं कुछ नहीं बता रही है यार, ये 350 मीटर की लोकेशन क्यों बता रहे हैं ड्रॉप लोकेशन, इतने के थोड़ी ना 100 रुपये मिलेंगे, फिर से करना पड़ेगा। भैया आपने लोकेशन कहाँ की डाली यार, लोकेशन जी कहाँ की बता रही है फिर, ये तो यहीं की बता रहा है।
350 मीटर दूर की बता रहा है क्या? अच्छा अराइव नहीं किया यार, मैंने अभी अराइव कर दिया। हाँ ठीक है आ गए। तो गाइस ऐसा कुछ सीन था, जब तक हम जो है अराइव नहीं करते तब तक जो है मतलब ड्रॉप लोकेशन नहीं आती सामने वाले की। चले जी ठीक यार, खुले दे दो यार, यार, मेरे पास भी थी ये। ऑनलाइन कर दो। ऑनलाइन भी नहीं है? ऑनलाइन कर दूँ हाँ क्या? ऑनलाइन कर दो यार। अभी क्या पहले राइड तुम ही लेके आए हम, ठीक है। तो गाइस भैया ने सेंड कर दिया, और अब इधर आकर आपको क्या करना है, जो जो चीज़ें आप ऑफ ने करी थी ना वहाँ पे, आप गाइस जब राइड आ जाती है एक पे तो बाकी आप सब ऑफ कर देते हैं, और मतलब गाइस एक पे राइड आ जाए तो बाकी आपको सब ऑफ कर देना है, जिस पे आप राइड लेके जा रहे हो सिर्फ वही ऑन रखना है, क्योंकि रास्ते में दूसरे पे राइड आ गई दिक्कत हो जाती है, थोड़ी लालच आ जाता है इंसान में, इसलिए एक ही राइड लो एक बार में और ऑफ कर दिया करो। और जब जो है आप ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच जाओ, कस्टमर को उठा लो मतलब पिकअप पे पहुंच जाओ, उसको छोड़ दो, तो और फिर उसके बाद जो है दोबारा से सभी ऑन कर लिया करो, फिर जिसमें राइड जाए फिर उसको लेकर निकल लिया करो, ठीक है। तो अभी जो है हम रेपिडो भी ऑन कर दिया है, और अब देखते हैं कि नेक्स्ट राइड कब तक आती है। गाइस पहली राइड काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही, भाई को छोड़ना था 9 किलोमीटर, और 9 किलोमीटर मतलब हमने आधे घंटे में ही पार कर दिया है गाइस, और आधे घंटे में जो है फिर से हमारे 100 रुपये बन गए हैं। पहली राइड गई है जिसकी स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी हो वो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है, जैसे उनके लिए सही है गाइस ये, जिनकी मतलब प्राइवेट जॉब रहती है और जो भाई संडे की छुट्टी रहती है उनकी, और संडे को भी जो है मतलब वो लोग काम करना चाहते हैं, जैसे कि अगर देखा 2-3 घंटे में कितने पैसे बच सकते हैं, 4 घंटे में कितने पैसे हम लोग बचा सकते हैं। और वैसे भी गाइस अगर आपकी मतलब जैसे भी जो लोग शॉप मॉप पे काम करते हैं या फिर और कहीं काम करते हैं जिनकी छुट्टी जल्दी हो जाती है, 5-6 बजे करीबन छुट्टी हो जाती है, तो वो लोग इसमें कितना कर सकते हैं 2-3 घंटे में, 4 घंटे में, जो बाकी का टाइम जो उनके पास फ्री बचता है, सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो, आप इसको कभी भी कर सकते हो। तो वो जो है आज मैं आप लोगों को दिखा दूंगा ये कितने पैसे बचे कितने टाइम में। ओके तो अभी हम लोग नेक्स्ट राइड का इंतज़ार कर रहे हैं, और नेक्स्ट राइड आ नहीं रही। बैठ जाओ भाई, हो क्या गया यार, मुझे लगा गाइस वो हेल्प मांग रही है कि भाई हमारी हेल्प कर दो, और हाथ दिखा के बस गायब हो गया पीछे के पीछे, पता नहीं कहाँ भाग गया। मतलब यार अजीब अजीब लोग हैं इस दुनिया में। और गाइस एक हमारी रेपिडो पे राइड आ गई जो कि 900 मीटर दूर से ही उठा लेते हैं इसको, इनको जाना है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, दिखा दी हमको लोकेशन पहले, तो फटाफट हम जो इनकी पिकअप लोकेशन पे चल देते हैं भाई, 350 मीटर दूरी जो है पिकअप लोकेशन है, इनके पीछे ही खड़े मतलब हम फ़ोन नहीं करते डायरेक्ट चलते हैं 350 मीटर दूर, क्योंकि कुछ ज़्यादा नहीं है। धड़कनों में तेरे गीत हैं मिले हुए, क्या कहूँ के सर में से हैं लब सिले हुए। फोन कर लेते अभी तरह गाइस, अराइव कर दिया है। देख रहे हो कैसा देख रहे हैं लोग, आ रहा है
जी मैम, कहाँ पर हो? हेलो भैया, कहाँ हाँ भैया, पे हो भैया? इंट्री ये आ गया एंट्री गेट पे ही। गेट पे? चलो हाँ आया जल्दी, कितने टाइम में आ रहा हूँ? काट ही दिया यार भैया ने फोन। ओ भाई, कैंसिल कर दिया साला कस्टमर ने यार। क्या कस्टमर है भाई, पहले पूछ लिया आ गया या मैं लोकेशन पे, फिर कैंसिल कर दिया। भाई ऐसे कौन करता है यार, अजीब चूतिया इंसान मिलते हैं गाइस। ऐसे लोग जो है दिमाग ख़राब कर देते हैं। देखो गाइस, मतलब मैं उसकी लोकेशन पे ही आ गया, उसने कैंसिल भी कर दिया। अजीब चूतिया इंसान मिले भाई, भगवान करे ऐसे कस्टमर किसी को ना दे। इतने से हम जा रहे थे, इधर बुला लिया और फिर कैंसिल कर दिया। रुको दोबारा फ़ोन लगाऊँ क्या इसको? वैसे कोई ज़रूरी नहीं है गाइस, उसको नहीं जाना होगा तो कैंसिल कर दी उसने। चलो हम चलते हैं हमारे जहाँ हम जा रहे थे भाई, भगवान बचाए ऐसे कस्टमर से। और गाइस देखा आप लोगों ने, ऐसे ऐसे कस्टमर ही मिलते हैं जो कि भाई आपको बुला लेते हैं और फिर कैंसिल भी कर देते हैं कि हमें नहीं जाना। आप गाइस, मैं कभी रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकता, पता है क्यों? क्योंकि रेलवे स्टेशन से बहुत ही कम चांस होते हैं जो यार अपने को राइड मिले, क्योंकि भाई वहाँ पे ऑलरेडी लाइन लगी रहती है। मतलब चार पांच और जो है अपने पार्टनर ही खड़े रहते थे, वो अपन जो है उनको मौका देते हैं, अपन जो है कहीं और से उठा लेते हैं। तो मेरे को भाई चेतक ब्रिज जाना है, भी चेतक ब्रिज से लूँगा मैं। गाइस मैं कभी भी नहीं लेता रेलवे स्टेशन, मतलब रुकता ही नहीं हूँ। बहुत कम चांस है कि मैं रेलवे स्टेशन पर रुकूँ, बाकी जो है मैं अदर से ही राइड लेता हूँ गाइस। जो जो एरिया मुझे पता है कि हाँ इधर से राइड जाएगी, वहीं वहीं लाके लेता हूँ। और गाइस एक ओला पे राइड आ गई, तो फटाफट इसको उठा लेते हैं और गाड़ी जो है साइड में लगा के पहले जो कस्टमर से बात कर लेते हैं। उठी नहीं यार अभी तक, बताओ। तो गाइस कस्टमर भी जो है चेतक, पहले कस्टमर को कंफर्म कर लेते हैं एक बार, पूछ के कहीं साइड में कि भाई चलना भी है या नहीं चलना, वरना कैंसिल कर दे उसके जैसा और हमारा फ्री फंड में इतना टाइम वेस्ट हो जाए। इधर साइड में लगा के पहले कस्टमर से पूछ लेते हैं। जी मैम आ रहा हूँ, कहाँ पे जाना है वैसे? चलिए ठीक है आ रहा हूँ, लोकेशन पर ही आना है ना आपकी? तो मैं भी चेतक ब्रिज बस स्टॉप पर ही खड़ा हूँ मैम। बस स्टॉप पे तो नहीं बैठे हो आप लोग, मतलब ये कि रेड कलर का? अच्छा आओ, चलिए ठीक है, दिख गए आप मेरे को, आ रहा हूँ। जी बैठी हमारी दीदी, ठीक है मैडम आ जाइए। ओटी बता दीजिए। 8 0, अरे दीदी 8 5 0 8, ठीक है बैठ जाइए। ऑनलाइन कर दीजिएगा, बता यार। 500 मीटर जाने के लिए ओला बुक किया मैडम ने, फिलहाल छोड़ देते हैं, अपन ही करना है। जी लीजिए मैम, लोकेशन तो यही दिखा रहा है आपकी। आपने लोकेशन क्या डाली है इसमें? तो ये डाला है आपने, देखो दास श्रीमान ट्री हबीबगंज भोपाल। द शीशम कहाँ पर है फिर ये? चलो ठीक है देख लेते हैं। इधर का बता रही है, ये तो नहीं है कहीं? अच्छा भाई लोकेशन रॉन्ग डाली कस्टमर की। ले लीजिए, ये रहे द सम ट्री हॉस्पिटल। चले लीजिए, हम 23 हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो भाई दीदी जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, इनके 23 रुपये बन रहे थे और दीदी ने हमको 30 रुपये दिए। भाई मज़ा आ गया,
इसको कहते हैं टिप। तो गाइस कभी कभार ऐसा होता है 50-50 रुपये की टिप भी मिल जाती है, मतलब कस्टमर के जैसे 80 बन रहे तो कस्टमर 100 का ही दे के निकल लेता है, और कभी कभार ऐसा भी होता है गाइस कि कस्टमर के जो है 170 या 130 बन रहे, 100 मतलब 40 से 170 बन रहे, 150 बन रहे, तो कभी कभार इतने बड़े अमीर ख़ानदान के लोग मिल जाते हैं हमको जो कि भाई 200-200 के नोट दे के निकल लेते हैं। ठीक है भाई आप रखो, तो ये एक अच्छा फ़ायदा है गाइस आपको ये करने में। तो अभी जो है हम लोग चेतक ब्रिज पे टाइम वेट करते हैं गाइस, टाइम जो है 10 बज चुके हैं। तो गाइस ये रहा चेतक ब्रिज, यहीं पे जो है हम वेट कर लेते हैं। तो गाइस अभी जो है मैं चेतक ब्रिज पे ही हूँ देखो, और भाई समय के मतलब देखो गाइस 11:30 बज चुके हैं यार, 11:18 हो गए, लेकिन भाई अभी तक कोई राइड नहीं आई। 10 बजे से जो बैठा हूँ यार, और 1.5 घंटा हो गया, तो अब देखते हैं कब तक राइड आती है। वैसे लग नहीं रहा कि पार्ट टाइम हमारा चल पाएगा, बाकी देखते हैं कब तक राइड आती है। तो गाइस अभी जो है करेक्ट 12 बजे राइड आई है, आप लोग देख सकते हो भाई 10 बजे से मतलब 10 बजे से बैठे बैठे करेक्ट 2 घंटे बाद जो है 12 बजे राइड आई है। तो फटाफट जो है हम कस्टमर के पास चलते हैं और पिकअप करते हैं, और फिर देखते हैं इसके कितने पैसे बनते हैं। गाइस पूरा पूरा 2 घंटे बिठा लिया गाइस, 2 घंटे सोच सकते हो कितना होता है 2 घंटे। वो 70 मीटर दूरी खड़े, चलो हम इनको पहले पिकअप कर लेते हैं गाइस, यहीं से आइए पास से ही जैसे कि मैंने बोला था। लेकिन यार आज संडे है तो इसलिए थोड़ी कम आ रही है, बाकी अदर डे में अगर आप लोग करोगे तो काफ़ी अच्छी मिलेंगी आपको देखने को। स्टेशन रोड यही बोला था यार भैया ने। अच्छा आप ही हो, OTP बता दीजिए भैया। 5940 बैठ जाओ, चले भैया। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इस कॉलेज में? जी लीजिए 59 रुपये बन रहा है। ठीक है तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो इस बार कुछ भी नहीं काटा, 0.9 रुपये काटे कंपनी ने सिर्फ। तो हमको जो है गाइस इस राइड के पूरे 59 के 59 ही मिल गए। पहले यार होस्ट भाई कॉलेज देखो क्या मस्त कॉलेज है, अगर भाई आप भोपाल में हो तो ये वाला कॉलेज ज़रूर लेना। BTech कर रहे हो अगर आप लोग, BTech या और भी कुछ है, नाम कॉलेज का नाम है गाइस सागर इंस्टीट्यूट अयोध्या बाईपास से पढ़ता है ये कॉलेज। देख रहे हो गाइस क्या बवाल कॉलेज है भाई, बाहर गार्ड भी बैठे रहते हैं, बिना परमिशन कोई जा नहीं सकता। तो यार गाइस देखो आज की वीडियो को जो है हम यहीं पे विराम देते हैं। तो गाइस देखो हमारा गाड़ी जो थी भाई 703 किलोमीटर पे थी और 730 हो गई है, तो 30 में से 3 माइनस करोगे तो बची हमारी 27 किलोमीटर गाड़ी है ना। अब 27 किलोमीटर में गाइस सवाल ये आता है कि आखिरकार हमने कितने रुपये कमाए। तो गाइस देखो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि हमने स्टार्ट करा था 100 रुपये से, जो कि हमको भाई 100 रुपये की राइड मिली थी इन ड्राइवर पे। तो 100 रुपये हम सबसे पहले वही प्लस कर देते हैं 100। उसके बाद जो है गाइस अगर हम चलते हैं रैपिडो के अंदर, तो रैपिडो के अंदर हमने कितने का काम किया, रैपिडो के अंदर हमने 4 रुपये का काम किया, जो कि एक राइड कैंसिल हो गई थी उसका हमको मिला, तो 4 रुपये जोड़ दिए। और बाकी ओला के अंदर हमने कितने का काम किया, ओला के अंदर हम आपको दिखा देते हैं। ओला के अंदर जो है गाइस हमने 78 रुपये का काम करा, जो कि एक थी हमारी 23 रुपये की राइड तो उसमें से हमको 18 या 19 रुपये मिले थे, और एक थी हमारी 59 की राइड, तो जो है गाइस हमारे से टोटल हमको 78 रुपये बन रहा है। तो इधर पे जो है हम 78 भी प्लस कर देते हैं, तो टोटल जो है गाइस अपना 27 किलोमीटर में बना है 182 रुपये, जो कि आप लोग देख सकते हो। और ये कुछ भाई ज़्यादा अर्निंग नहीं है, ये है हमारी कितने घंटे की गाइस 12:30 बज गए, हम लोग थे 9 बजे से, तो 9 से 9 10 11 12 4 घंटे, 4.5 घंटे की जो है अर्निंग है गाइस 122 रुपये है। और 27 किलोमीटर में जो है गाइस हमारा पेट्रोल जला होगा कितने का, 60 रुपये का पेट्रोल मान लो, यानी कि हम इसमें 60 माइनस कर देते हैं, तो जो है गाइस देखो 122 रुपये आपको 4 घंटे में बचे हैं। बाकी अगर आप लोग समझ सकते हो कि अगर आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए गाइस, मेरा ये मानना है कि अगर आप जो है एक स्टूडेंट हो
तो आपको करना चाहिए स्टूडेंट के लिए, क्योंकि गाइस 150 रुपये कोई बहुत बड़ी बात होती है। बाकी अगर आप लोग भाई कहीं मतलब अच्छा काम कर रहे हो, 10-15 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है आपको, और पार्ट टाइम जो है आप काम करके करना चाह रहे हो, तो भाई रहने दो, मुन्ना तुमसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाओगे ये काम, क्योंकि आपको बहुत इतना टाइम लगेगा और इतनी ज़्यादा मेहनत लगेगी, और पैसे में आपको भाई ऐसे देखने को मिलेंगे 100-150 रुपये, तो भाई रे नहीं हो पाएगा आपसे। बाकी अगर आप फुल टाइम करते हो तो फुल टाइम में आपको काफ़ी अच्छी अर्निंग देखने को मिल जाएगी। बाकी हम किसी दिन फुल टाइम की अर्निंग भी लाएंगे, 24 घंटे में या फिर 12 घंटे में आप लोग रैपिडो या ओला से कितना कमा सकते हो। फिलहाल जो है इस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।